दुनिया के इस सबसे बड़े बाह ने धरती के घूमने की स्पीड कम कर दी। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी अपनी जगह से खिसके। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। बांध बनाने के कई फायदे होते हैं। इनको बाढ़ को रोकने और बिजली पैदा करने आदि कई कामों के लिए बनाया जाता है। लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े बांध के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे बनाने में 18 साल का लंबे समय लगा था। ये बांध इतना बड़ा है कि इसकी वजह से धरती के घूमने की स्पीड तक कम हो गई है। इससे दिन कुछ बड़े हो गए हैं। इस बांध से इतनी बिजली पैदा हो रही है कि जिससे कई छोटे देशों को रोशन किया जा सकता है। इस विशालकाय बांध को बनाने में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत आई। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। दोस्तों, हम जिस बांध की बात कर रहे हैं उनका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम। ये बांध चीन ने बनाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2.3 किलोमीटर लंबा, 115 मीटर चौड़ा और 185 मीटर ऊंचा यह बांध दुनिया का सबसे बड़ा बिजली बांध है। यह बांध चीन के हुबई प्रांत में यांगजी नदी पर बना हुआ है, जिसे दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी माना जाता है। इसकी लंबाई 6000 किलोमीटर से भी अधिक है। कहा जाता है कि इस विशालकाय बांध को बनाने में 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत आई। इसे बनाने में कुल 18 साल का लंबे समय लगा। इसके निर्माण का काम साल 1994 से शुरू हुआ और 2012 में इसका बनकर तैयार हुआ। इसे बनाने में काफी लंबा समय लगा। दोस्तों, इसमें हजारों टन स्टील का हुआ इस्तेमाल। रिपोर्ट बताते हैं कि थ्री गॉर्जेस डैम को बनाने में करीब 4,63,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। ये इतनी ज्यादा स्टील है कि कई रिफिल टावर खड़े किए जा सकते हैं। चीन का ये डैम अमेरिका के महान हूवर डैम से 11 गुना अधिक बिजली पैदा कर सकता है। एक अनुमान के मुताबिक इसमें 22,400 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। यानी बिजली के उत्पादन में इनका कोई जवाब नहीं है। यह बांध इतनी ज्यादा बिजली पैदा करता है कि इससे 6-7 छोटे देशों को आराम से रोशन किया जा सकता है। दोस्तों, इस वजह से धरती के घूमने की गति हुई कम। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बांध के जलाशय में इतना पानी इकट्ठा किया गया है कि इससे पृथ्वी का ध्रुवीकरण प्रभावित हो गया है। इसकी वजह से पृथ्वी के घूमने की गति कुछ धीमी पड़ गई है। पृथ्वी के घूमने की गति धीमी होने में एक दिन का समय 0.06 माइक्रोसेकंड बढ़ गया है। यानी अब दिन थोड़ा लंबा हो गया है। इसके अलावा यह भी कहा जा सकता है कि इस बांध के बनाने की वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी अपनी अपनी जगह से 2-2 सेंटीमीटर खिसक गए हैं इसकी, जबकि अन्य ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी सी चपटी हो गई है। इस डैम से हुए इस नुकसान को देखकर अब वैज्ञानिक भी हैरान है। इस डैम ने पृथ्वी के वातावरण पर भारी असर डाला। डैम से हुए कई नुकसान। इस विशाल डैम बनने जाने के फायदे और लेकिन नुकसान भी है। इसके बनाने में आसपास के क्षेत्र में भूस्खलन और भूकंप का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ये भूकंप संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं। वहीं 300 से ज्यादा मछली की प्रजातियां और कई जीव जंतुओं का बांध में बनाए जाने का आवागमन बंधित हो गया है। इससे उनका विकास और अस्तित्व संकट में पड़ गया है। थ्री गॉर्जेस डैम के विशाल जलाशय का पानी भरने से कई जंगल, खेती वाली जमीन, मिट्टी के मैदान पानी में डूब गए। इससे मिट्टी की सतह का कटाव होगा और ये मिट्टी नदी की तलहटी पर जलाशय के नीचे जमा होने लगेगी। इसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी। उपजाऊ मिट्टी जलाशय के बेस में जमा होने वहाव के पास खेती के जमीन की उर्वरता कम होगी। इतनी ही नई थ्री जोर डैम के बनाने के बाद करीब 14 लाख लोगों को अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा था। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर अवश्य करें। ऐसे ही वीडियोस में आपके लिए लेकर आता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।